नमस्कार दोस्तों, आज मैं पढ़ने वाला हूँ नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच का चैप्टर 5 व्यक्तिगत अनुभव या अवलोकन धनवान होने की तरफ चौथा कदम। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य और दूसरा विशेष तरह का। सामान्य ज्ञान कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितनी बड़ी मात्रा या किस में हो सकता है। धन का संचय करने में इसका बहुत कम इस्तेमाल है। सभ्यता में सामान्य ज्ञान के जितने भी कुल व्यवहारिक रूप ज्ञात हैं वे सब महान विश्वविद्यालय की संकाय के पास हैं। अधिकतर प्रोफेसरों के पास धन बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं है। वे ज्ञान के शिक्षण के विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन वे ज्ञान के संगठन या उपयोग के विशेषज्ञ नहीं होते हैं। ज्ञान धन को तब तक आकर्षित नहीं करेगा जब तक कि यह धन के संचय के निश्चित अंत तक कार्यवाही की व्यवहारिक योजना के माध्यम से संगठित और समझदारी से निर्देशित नहीं होता है। इस तथ्य की समझ की कमी लाखों लोगों के भ्रम का स्रोत रही है, जो इस गलत धारणा को मानते हैं कि ज्ञान शक्ति है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ज्ञान ही संभावित शक्ति है। यह शक्ति केवल तब बनता है जब इसे निश्चित योजना में संगठित किया जाए और एक निश्चित अंत तक निर्देशित किया जाए। आज सभ्यता को ज्ञान शिक्षा की सही प्रणालियों में इस लापता कड़ी को शिक्षण संस्थानों द्वारा अपने छात्रों को यह सिखाने में मिली विफलता में पाया जा सकता है कि ज्ञान को प्राप्त करने के बाद इसे व्यवस्थित और प्रयोग कैसे करें। बहुत से लोग यह सोचने की गलती करते हैं कि चूंकि हेनरी फोर्ड की स्कूली शिक्षा बहुत थोड़ी थी, वह एक शिक्षित आदमी नहीं है। वे लोग जो यह गलती करते हैं वे हेनरी फोर्ड को नहीं जानते, नहीं वे एजुकेटेड का वास्तविक अर्थ समझते हैं। यह शब्द लैटिन शब्द एडुको से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बाहर लाना या भीतर से विकसित करना। एक शिक्षित व्यक्ति जरूरी नहीं कि वह हो जिसके पास बहुयता में सामान्य या विशेष ज्ञान है। एक शिक्षित व्यक्ति वह है जिसने अपने मन के संकायों को इस तरह व्यवस्थित किया है कि दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन किए बिना वह जो कुछ भी चाहता है उसे या उसके समतुल को प्राप्त कर सकता है। हेनरी फोर्ड अच्छी तरह से इस परिभाषा के अर्थ के भीतर आते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शिकागो के अखबार ने कुछ संपादकीय प्रकाशित किए, जिसमें अन्य बयानों के बीच में हेनरी फोर्ड को एक अज्ञान निराशावादी कहा गया। श्रीमान फोर्ड ने बयान पर आपत्ति जताई और उसके बारे में अपमानजनक लेख लिखने के लिए अखबार के खिलाफ मुकदमा कर दिया। जब न्यायालय में मुकदमा चला तो अखबार के वकीलों ने श्रीमान फोर्ड के अज्ञानी होने की बात की प्रामाणिकता को जूरी के साबित करने के प्रयोजन से उन्हें गवाह के कटघरे में बुलाया। वकीलों ने श्रीमान फोर्ड से बहुत विविधता वाले सवाल पूछे। सभी सवाल उनके अपने ही सबूत द्वारा वे साबित करने के इरादे से थे कि वे ऑटोमोबाइल के निर्माण से संबंधित काफी विशेष ज्ञान के अधिकारी हो सकते हैं, परंतु मुख्य रूप से अज्ञानी थे। श्रीमान फोर्ड से इस तरह के सवाल पूछे गए थे, बेनेडिक्ट अर्नोल्ड कौन था और 1776 में विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश ने कितने सैनिकों को अमेरिका भेजा था। आखिरी सवाल के जवाब में श्रीमान फोर्ड ने कहा कि मुझे ब्रिटिश द्वारा भेजे गए सैनिकों की सही संख्या तो पता नहीं है, लेकिन मैंने सुना है यह संख्या उन सैनिकों की तुलना में काफी अधिक थी जो कभी वापस लौटे थे। अंत में श्रीमान फोर्ड पूछताछ की झड़ी से थक गए और विशेष रूप से आक्रामक सवाल के जवाब में वे झुके वकील की ओर और उंगली से इशारा किया और कहा, यदि मैं वास्तव में इस बेवकूफी वाले सवाल का जवाब या किसी भी अन्य सवाल का जो आप पूछ रहे हैं देना चाहूं, तो मैं आपको याद दिला दूं कि मेरे मेज पर बिजली के पुश बटनों की कतार है और सही बटन दबाकर मैं अपनी सहायता के लिए ऐसे आदमी को बुला सकता हूं जो मेरे उस व्यवसाय से संबंधित मेरे इच्छा के किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है जिसमें मैं अपने ज्यादातर प्रयास लगा रहा हूँ। अब क्या आप कृपया मुझे बताएंगे कि सवाल के जवाब देने में सक्षम होने के उद्देश्य से मुझे सामान्य ज्ञान से अपने दिमाग को क्यों भरना चाहिए, जबकि मेरे चारों तरफ ऐसे आदमी हैं जो किसी भी ज्ञान की आपूर्ति कर सकते हैं। निश्चित रूप से उस उत्तर में अच्छा तर्क था। उस जवाब ने वकील को चित कर दिया। अदालत में हर व्यक्ति को एहसास हुआ कि यह एक अज्ञानी नहीं बल्कि एक शिक्षित व्यक्ति का जवाब था। कोई भी शिक्षित आदमी जानता है कि जरूरत पड़ने पर उसे ज्ञान कहाँ से प्राप्त करना है और उस ज्ञान को निश्चित कार्य योजना में कैसे व्यवस्थित करना है। अपने मास्टरमाइंड समूह की सहायता से हेनरी फोर्ड के आदेश पर उन्हें अमेरिका के सबसे धनी लोगों में से एक बनने में उन्हें सक्षम करने के लिए आवश्यक उनकी जरूरत या सारा विशेष ज्ञान उसके पास था। यह जरूरी नहीं था यह ज्ञान उसके अपने दिमाग में ही हो। निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति जिसका इस प्रकृति की पुस्तक पढ़ने में काफी झुकाव और ज्ञान हो संभवतः इस उदाहरण के लिए महत्व को चूक सकता है। इससे पहले कि आप अपनी इच्छा को इसके मौद्रिक समतुल में परिवर्तित करने की अपनी योग्यता के बारे में विश्वस्त हो पाएं, आपकी सेवा व्यापार या पेशे के विशेष ज्ञान की आवश्यकता होगी जिसे आप संपत्ति में बदलने के पेशे का इरादा करते हैं। शायद प्राप्त करने की अपनी मौजूदा क्षमता या झुकाव की तुलना में आपको बहुत अधिक विशेष ज्ञान की आवश्यकता हो सकती है, और यदि यह सच है तो आप अपने मास्टरमाइंड समूह की सहायता से अपनी इस कमजोरी को पाट सकते हैं। एंड्रयू कार्नेगी ने कहा था कि वह व्यक्तिगत रूप से
से इस्पात कारोबार के तकनीकी हिस्से के बारे में कुछ नहीं जानता है। इसके अलावा उसने विशेष रूप से इसके बारे में कुछ जानने की परवाह भी नहीं की। उसने उस विशेष ज्ञान जिसकी उसे इस्पात के निर्माण और विपणन के लिए आवश्यकता थी अपने मास्टरमाइंड समूह के अलग अलग इकाइयों के माध्यम से उपलब्ध पाया। दौलत के संचय के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है और शक्ति अत्यधिक संगठित और समझदारी से निर्देशित विशेष ज्ञान के माध्यम से हासिल की जाती है। लेकिन इस ज्ञान को आवश्यक रूप से उस आदमी के कब्जे में होने की जरूरत नहीं है जो दौलत संचित करना चाहता है। पिछले पैराग्राफ से उस महत्वाकांक्षी व्यक्ति को दौलत संचित करने के लिए आशा और प्रोत्साहन मिलना चाहिए जिसके पास इस तरह के विशेष ज्ञान की आपूर्ति करने के लिए ऐसा आवश्यक शिक्षा नहीं है जिसकी आवश्यकता हो सकती है। कभी कभी लोग हीन भावना से ग्रस्त जीवन गुजारते हैं क्योंकि वे शिक्षित नहीं होते। वह व्यक्ति जो उन व्यक्तियों के मास्टरमाइंड समूह को संगठित और निर्देशित कर पाए जिनके पास पैसे का संचय करने में उपयोगी ज्ञान है वह उतना ही शिक्षित व्यक्ति है जितना कि समूह का कोई अन्य व्यक्ति। यदि आप इस कारण ही हीन भावना से ग्रस्त है कि आपकी स्कूली शिक्षा सीमित है तो आप यह याद रखिए, थॉमस एडिसन अपने पूरे जीवन में केवल 3 महीने के लिए स्कूल गए थे। उसके पास शिक्षा की कमी नहीं थी, न ही वे गरीबी में मरे थे। हेनरी फोर्ड 6ठी कक्षा से कम ही स्कूल गए थे लेकिन वे वित्तीय रूप से काफी अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहे हैं। विशेष ज्ञान सेवा की सबसे भरपूर मात्रा में और सबसे सस्ते रूपों में से एक है जिसे आप पा सकते हैं। यदि आपको संदेह है तो किसी भी विद्यालय के वेतन के रिकॉर्ड देख लें। ज्ञान कैसे खरीदे यह जानना कुछ देता है। सबसे पहले तय करें कि आपको किस प्रकार के विशेष ज्ञान की आवश्यकता है और वह उद्देश्य जाने जिसके लिए इसकी आवश्यकता है। बहुत हद तक जीवन के आपके प्रमुख उद्देश्य और वह लक्ष्य जिसकी ओर आप काम कर रहे हैं आपकी आवश्यकता के ज्ञान को निर्धारित करने में मदद करेगा। जब ज्ञान प्राप्त कर लिया गया है तो उसे व्यवस्थित किया जाना चाहिए और व्यवहारिक योजनाओं के माध्यम से एक निश्चित उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए। ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है सिवा उस ज्ञान के जिसे किसी उपयोगी उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाए। यही एक कारण है कि कॉलेज की डिग्रियां का अत्यधिक मूल्य नहीं होता, वे विविध ज्ञान के अलावा किसी और चीज का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यदि आप अतिरिक्त स्कूली शिक्षा लेने के बारे में सोचते हैं तो पहले यह उद्देश्य निर्धारित करें जिसके लिए आप ज्ञान तलाश रहे हैं, फिर सीखे कि किन विश्वसनीय सूत्रों से उस विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सफल लोग सभी क्षेत्र में अपने प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय या पेशे से संबंधित विशेष ज्ञान प्राप्त करना कभी बंद नहीं करते। वे लोग जो सफल नहीं होते आमतौर पर यह विश्वास करने की गलती करते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने का समय स्कूल खत्म करने के समय ही खत्म हो जाता है, परंतु सच्चाई यह है कि स्कूली शिक्षा ही आपको व्यवहारिक ज्ञान कैसे प्राप्त करे इसे सीखने के रास्ते पर डालती है। इस बदलती हुई दुनिया के साथ जो आर्थिक पतन के अंत में शुरू हुई शैक्षणिक जरूरत में चौंकाने वाला परिवर्तन भी आया। विशेषज्ञता का जमाना है। इस सच्चाई पर कोलंबिया विश्वविद्यालय के नियुक्तियों के सचिव रॉबर्ट पी मूर द्वारा जोर दिया गया है। विशेषज्ञों की सबसे ज्यादा मांग है। रोजगार कंपनियां विशेष रूप से उन उम्मीदवार की मांग करती है जो किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, जैसे लेखा और सांख्यिकी में प्रशिक्षण के साथ बिजनेस स्कूल के स्नातक, सभी किस्मों के इंजीनियर, पत्रकार, आर्किटेक्ट, दवाई विक्रेता, वरिष्ठ वर्ग के नेता और सक्रिय व्यक्ति। वह व्यक्ति जो परिसर में सक्रिय रहा है, जिसका व्यक्तित्व इस तरह का है वह सभी प्रकार के लोगों के साथ तालमेल बिठा लेता है और जिसने पढ़ाई में अच्छा काम किया है उसके पास पूरी तरह से शैक्षणिक गतिविधियों के लिए लिप्त शिक्षा पर निश्चित बढ़त होती है। इनमें से कुछ ने अपने चौतरफा योग्यता के कारण पदों के कई प्रस्ताव प्राप्त किए हैं, कुछ तो 6 नौकरियों तक के प्रस्ताव मिले हैं। इस धारणा को हटते हुए कि ए वर्ग के एक छात्र सदा ही निरपवाद रूप से बेहतर रोजगार के चुनाव पाने वाला होता है, श्रीमान मूर ने कहा कि ज्यादातर कंपनियां केवल शैक्षणिक रिकॉर्ड नहीं देखती बल्कि गतिविधि रिकॉर्ड और छात्रों के व्यक्तित्व को भी देखती है। प्रशिक्षुता का प्रस्ताव। गर्मी की छुट्टी के दौरान कार्यालय, दुकानों और औद्योगिक व्यवसाय में छात्रों को प्रशिक्षुता ग्रहण कराने वाली एक प्रणाली का प्रस्ताव रखते हुए श्रीमान मूर ने इस बात पर जोर दिया कि कॉलेज के पहले 2 या 3 साल के बाद हर छात्र को एक निश्चित भविष्य पाठ्यक्रम चुनने के लिए कहा जाना चाहिए। यदि वह केवल मजे के लिए एक गैर विशिष्टता वाले शैक्षणिक पाठ्यक्रम में बिना उद्देश्य के घूम रहा है तो इसे छोड़ दें। कॉलेजों और विश्वविद्यालय को इस व्यवहारिक विचार का सामना करना होगा कि सभी पेशे और व्यवसायों में अब विशेषज्ञों की मांग है। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि शिक्षण संस्थान व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए प्रत्यक्ष जिम्मेदारी स्वीकार करे। ज्यादातर बड़े शहरों में संचालित रात के स्कूल उन लोगों के लिए उपलब्ध ज्ञान के सबसे विश्वसनीय और व्यवहारिक स्रोतों में से एक है जिन्हें विशेष स्कूली शिक्षा की जरूरत है। पत्राचार स्कूल कहीं भी जहां अमेरिकी की डाक जाती है उन सभी विषयों पर विशेष शिक्षा
सिखा देती है, जिन्हें मेल विस्तार विधि द्वारा सिखाया जा सकता है। घर पर अध्ययन प्रशिक्षण का एक लाभ अध्ययन कार्यक्रम की लोचशीलता है, जो खाली समय के दौरान अध्ययन करने की अनुमति देती है। घर पर अध्ययन प्रशिक्षण का एक अन्य अद्भुत लाभ यह तथ्य है कि घर पर अध्ययन द्वारा पेश किए गए अधिकतर पाठ्यक्रम अपने साथ परामर्श के उदार विशेषाधिकार रखते हैं, जो उन लोगों के लिए अमूल्य हो सकते हैं जिन्हें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हैं, आप लाभ उठा सकते हैं। कोई भी चीज जिसे बिना प्रयास और लागत के प्राप्त किया जाता है, आमतौर पर उसकी कदर नहीं होती, अक्सर बदनाम होती है। शायद इसीलिए हमें सार्वजनिक स्कूलों में हमारे अद्भुत अवसर से इतना कम मिलता है। आत्म अनुशासन जो हमें विशिष्ट अध्ययन के निश्चित कार्यक्रम से प्राप्त होता है, कुछ हद तक उस बेकार अवसर की भरपाई करता है जब ज्ञान बिना लागत के उपलब्ध था। पत्राचार स्कूल अत्यधिक व्यवस्थित व्यावसायिक संगठन है। इसके ट्यूशन की फीस इतनी कम है कि वे शीघ्र भुगतान पर जोर देने के लिए मजबूर किए जाते हैं। भुगतान के लिए पूछे जाने के प्रभाव के कारण चाहे छात्र अच्छे अंक लाएं या बुरे, वह पाठ्यक्रम को पूरा करता है, जिसे अन्यथा वह छोड़ देता है। मैंने एक 25 साल से अधिक पहले अनुभव से सीखा। मैंने विज्ञापन में एक घर पर अध्ययन पाठ्यक्रम में नाम लिखवा लिया। 8 या 10 सबक पूरा करने के बाद मैंने पढ़ाई बंद कर दी, लेकिन स्कूल ने मुझे बिल भेजना बंद नहीं किया। इसके अलावा इसे भुगतान पर जोर दिया, चाहे मैं अपने पढ़ाई करूं या नहीं। मैंने निर्णय लिया कि यदि मुझे पाठ्यक्रम के लिए भुगतान करना ही है तो मुझे सबक पूरे करने चाहिए और अपने पैसे की कीमत वसूल करनी चाहिए। मैंने उस समय महसूस किया कि स्कूल की संग्रह प्रणाली कुछ ज्यादा अच्छी तरह से नियोजित है, लेकिन मुझे जीवन में बाद में पता चला कि यह मेरे प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जिसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया गया था। भुगतान करने के लिए मजबूर किए जाने से मैं आगे बढ़ा और कोर्स पूरा किया। बाद में जिंदगी में विज्ञापन में बहुत अनिच्छा से लिए गए प्रशिक्षण के कारण मैंने खोजा कि उस स्कूल की कुशल संग्रह प्रणाली पैसे कमाने के लिए काफी उपयोगी थी। यदि आपके पास कल्पना है तो शायद यह अध्याय आपको उस धन की जिसकी आपको इच्छा है कि शुरुआत करने का एक दक्ष विचार दे सकता है। याद रखें कि विचार मुख्य बात है, विशेष ज्ञान बस बहुत ही पास आसपास पाया जा सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज के अध्याय को खत्म करते हैं। जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।